हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नैना और मेरे चैनल का नाम है लखनवी कपल। टुडे आई विल शो यू द रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है मैंने अमेजोन से मंगवाया था, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं इसका जो अनबॉक्सिंग है वो आपके सामने करूँगी, क्योंकि अनबॉक्सिंग मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ, तो उसको मैं करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो मैं दिखा देती हूँ, ये जो प्रोडक्ट है मुझे इस तरीके से कुछ रिसीव हुआ था। ये इस तरीके की बॉक्स में आता है। आप सबने बहुत ज़्यादा इसको देखा होगा अगर आप सर्च करते होंगे स्ट्रेटनर कर्लर। तो जल्दी से चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। इसको मैं खोल चुकी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। एक साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, बट मैं इसका रिव्यू आज आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी एक टाइम पे, तो मुझे बेस्ट लगा। तो मेरे पास काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि आप किस तरीके से अपने हेयर्स को, जब आप किसी पार्टी या किसी शादी में जाते हो, किस तरीके से आप हेयर स्टाइल करते हो। तो मैं तो सिंपली आपको यही कहूँगी कि आप इसको मंगा लो, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल आप इससे बना सकते हो। तो हम इसकी, मैं इसको यूज़ करके भी आपको दिखाऊँगी। तो इसमें पहले मैं बात करती हूँ, ये कुछ देखिए इस तरीके से दिखता है, और इसके साथ आपको मिलता है ये वारंटी कार्ड और इसके कुछ डिस्क्रिप्शन कि ये किस तरीके से यूज़ होता है। इस तरीके की आपको कुछ बुकलेट मिलेगी जो कि इस डब्बे में ही निकली है साथ में, बट आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। तो ये देखिए इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट है ये। आप में से काफ़ी लोग शायद इसको यूज़ भी कर रहे होंगे, तो अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम इसको दिखा देते हैं कि इसमें आखिर इसको 3-in-1 क्यों कहा गया है। वैसे तो देखने में ये आपको कर्लर नज़र आ रहा होगा, बट आपको मैं बता दूँ कि ये हमारा एक कर्लर भी है, हेयर स्ट्रेटनर भी है और क्रिम्बर भी है। देखिए तभी इसको 3-in-1 बोला गया है। अगर आप इसको ऐसे यूज़ करोगे तो ये कलर का काम करेगा, इस तरीके से यूज़ करोगे तो स्ट्रेटनर का काम करेगा, और इस तरीके से यूज़ करोगे तो ये क्रिम्बिंग का काम करेगा। तो आप सब जानते ही हैं कि गर्ल्स के लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है। अगर हमें ये 3-in-1 में मिल रहा है तो हमारे लिए बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात है, इसका जो अमेज़ोन पर प्राइस दिखाता है वो है 1599, बट आपको अमेज़ोन पे काफ़ी सारे मतलब डिस्काउंट्स वगैरह चलते रहते हैं, तो आपको ये 1200-1300 तक मिल जाएगा। मेरे को भी ये 1200 तक पड़ा था, मुझे ये 1200 का मैंने मंगाया था, और काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और इसकी क्लिप मैं ऐड करूँगी, मैंने स्ट्रेट करते हुए भी इसकी क्लिप बनाई है, क्रिम्बिंग करते हुए भी इसकी वीडियो बनाई है, और आपका क्रिम्बिंग करते हुए भी बनाई है, और कर्ल करके भी बनाई है इसका। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरे पे किस तरीके के हेयर। इट्स अ सेरामिक कोटेड प्लेट्स, तो आप जानते हैं कि ये कितना अच्छा वर्क करता है। अब हम इसकी खासियत की बात कर लेते हैं कि ये ऑन ऑफ कैसे होता है, सब इसके फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो बटन दे रखा है, इससे हम अगर ऊपर करेंगे तो ये बटन रेड लाइट जाने लगेंगे, दैट मीन्स कि ये ऑन हो गया है ना, और इसको नीचे कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ये जो बटन दे रखा है इसका क्या वर्क है वो भी मैं बताती हूँ। अगर इस बटन को आप बीच में रखेंगे जैसे कि इस टाइम है, तो ये दोनों बंद रहेगा। अगर आप इसको एक साइड बंद खोलेंगे तो ये आपका क्रिम्बर खुल जाएगा और ये स्ट्रेटनर बंद रहेगा। अगर आप इस साइड इसको खोलेंगे तो स्ट्रेटनर खुल जाएगा और क्रिम्बिंग बंद हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है अगर आप तीनों चीज़ें खोल के इसको करेंगे तो आपसे ये स्ट्रेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये बटन इसमें दे रखा है, इसको तीनों चीज़ों को ये मैनेज करता है। अगर आप इसको बीच में कर देंगे इस तरीके से, अगर इसको बीच में कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा, तो हमारा ये कर्लर का काम करेगा, ठीक है। इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो मैं आपको बता दूं, इसमें जो ये वायर दे रखा है, ये देखिए काफ़ी बड़ी वायर है, कम से कम ये 2-3 मीटर्स की वायर होगी,
जो कि बहुत अच्छी है। अगर आप देखो नॉर्मल स्ट्रेटनर में तो बहुत छोटी वायर दे रखी होती है, तो या तो आपको प्लग के पास खड़े होकर ही स्ट्रेट करना पड़ता है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी बड़ी वायर दे रखी है, तो आप कहीं पे भी इसको आराम से बैठ के अपने बालों को स्ट्रेट, क्रम्बिंग या कर्ल कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है इसमें जो कनेक्टर दिया है, ये देखिए 330 डिग्री का है, तो ये आप इसको कहीं भी मूव करके, मतलब अगर आप इधर से कर रहे हो तो ये इधर हो जाएगा, अगर आप इधर से कर रहे हो तो ये इधर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, अगर हमें इस तरीके का कनेक्टर दिया होता है तो इससे ना वायर हमारी टूटेगी नहीं और काफ़ी टाइम तक ये चलेगी और ये सबसे अच्छा रोल वर्क करता है। तो इसकी अच्छाइयाँ तो मैंने आपको बहुत सारी बता दी हैं कि क्यों हमें इसे यूज़ करना चाहिए। तो चलिए अब मैं बता देती हूँ कि इसमें कुछ बुराइयाँ भी हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें अगर पॉजिटिव होती हैं तो एक दो चीज़ें ज़रूर आपको नेगेटिव मिलेंगी उसमें। तो ये मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह सकती कि सब लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस है या सब लोग को हो सकता है मेरी तरह प्रॉब्लम ना होती हो, क्योंकि हो सकता है कोई किसी तरीके से यूज़ करता हो, कोई किसी तरीके से यूज़ करता हो। तो ये जो मैं बता रही हूँ, मैं इसको अपना रिव्यू दे रही हूँ, तो इसका रिव्यू मेरे थोड़ा सा निगेटिव ये है कि सबसे पहली बात तो इसको प्रोफेशनल लोग यूज़ नहीं कर सकते। क्यों प्रोफेशनल लोग इसलिए इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ना छोटी छोटी लेयर्स लेके आपको करना पड़ता है। तो अगर वो प्रोफेशनल लोग इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे तब तो उनको कम से कम 2-3 दिन तो लग ही जाने हैं बाल स्ट्रेट करने में, है ना। तो इसको प्रोफेशनल लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। सैलून वगैरह में आपने देखा होगा वो काफ़ी अच्छा स्ट्रेटनर, बड़ा वाला, चौड़ा वाला यूज़ करते हैं, जिससे कि उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है बाल स्ट्रेट कर्ल या क्रिम्बिंग करने में, तो ये तो वो यूज़ नहीं करते। लेकिन हाँ, ये आपके पर्सनल यूज़ के लिए बेस्ट है। अगर आपके यहाँ कोई शादी है, पार्टी वगैरह है, नॉर्मल पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, तो आप इसको यूज़ कीजिए, हेयर स्ट्रेट के लिए यूज़ कीजिए, कलर के लिए यूज़ कीजिए, क्रिम्बिंग के यूज़ कीजिए, तो बेस्ट है आपके लिए। ये तो मेरा पर्सनल है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको निगेटिव ये बता देती हूँ। एक तो इसमें कोई भी हीटिंग को कंट्रोल करने का कोई भी बटन नहीं है। आप इसमें सिर्फ 2 बटन दिए गए हैं, मैं बता दूँ, एक तो ये ऑन ऑफ करने वाला है, और ये मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ये इसको बदलने के लिए है, कौन सा खोलना है कौन सा बंद करना है, तो ये इस चीज़ के लिए है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी ऐसा बटन नहीं है जो अपनी हीट को कंट्रोल कर सकता है कि हमें लाइट हीट चाहिए कि लो हीट चाहिए, तो हम उसके हिसाब से हम इसको कंट्रोल कर लें। इसमें ऐसा कोई भी बटन नहीं है, इसमें हाई रहता है, तो बहुत ज़्यादा आपको, मतलब कहते हैं ना, केयरफुल होके इसको करना पड़ेगा यूज़, ठीक है। और इसकी वीडियो क्लिप के लिए तो आप वेट कर ही रहे हैं, तो चलिए अब क्यों वेट करना है, आप वीडियो को क्लिप देखिए और देखिए कि मैंने किस तरीके से इसको किया है। बहुत ज़्यादा इजी है इसको यूज़ करना, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है कि आप इसको नहीं कर पाओगे। इसमें एक चीज़ और है, मैं बता देती हूँ आपको, अगर आप बाल स्ट्रेट करते हो तो नॉर्मल सी बात है, आपको ये वाला प्लेट खोलना पड़ेगा। अभी ये ऑन नहीं है, कभी आप लोग सोचो कि मैं हाथ लगा रही हूँ, तो आपको ये प्लेट खोलना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, नॉर्मली अगर आप हेयर स्ट्रेट करते हो तो आप इस तरीके से, मेरी तो आदत है कि मैं इस तरीके से इसको यूज़ कर लेती हूँ, तो इससे क्या होता है, जब हम फ्रेश करते हुए चलते हैं ना तो बहुत अच्छा एक वो लुक देता है। तो इसकी जो बेस्ट चीज़ नहीं है वो ये है कि आप इसको जब यूज़ करोगे तो आपको उसको यहाँ से ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है कि अगर आप इसको छू लोगे तो नॉर्मल सी बात है, आप उसको, आप अपने आप को जला लोगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपको इसको यूज़ करना है तो इसको यहीं से पकड़ के यूज़ करना है, आप इस पर बिल्कुल भी टच मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको टच किया, क्योंकि एक तो तीनों चीज़ एक ही साथ कनेक्ट हो रही है, और आपको बता ही चुकी हूँ कि हीट का कोई भी इसमें कंट्रोल करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, जब तीनों चीज़ें गर्म होती है ना, तो ये वाली जो हमारी रॉड होती है, ये वाला जो पार्ट होता है ब्लैक वाला, ये बहुत ज़्यादा हीट करने लगता है। तो जब भी आप कर्ल वगैरह करो तो कर्ल के लिए आपको इससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखना है, क्योंकि अगर आप पास लेकर आओगे तो आप जला सकते हो अपने आप को, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है गाइस। तो यही थी मेरी छोटी सी वीडियो आज की, दिस इज़ डेमो टाइम। तो चलिए ये देखिए, इस टाइम मशीन ऑन है, तो हम वाला सेक्शन खोल लेंगे जहाँ से बाल स्ट्रेट होंगे, और मैं आपको सबसे पहले बाल स्ट्रेट करके दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे सेक्शन थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि मेरे ऑलरेडी बाल स्ट्रेट हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग के बाल जिस हिसाब से हैं आप उस हिसाब से काम कीजिएगा, वैसे अगर आप छोटे छोटे सेक्शन लेंगे तो बहुत अच्छे बाल स्ट्रेट होंगे। अभी डिफरेंस मैं आपको खुद ही दिखाती हूँ।
इस तरीके से टाइटली प्रेस करते हुए आपको नीचे आना है। ये देखिए, ये मेरे बालों का देखिए और ये पीछे के बाल देखिए उलझे हुए अलग से ही नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। ये हो, ये देखिए एकदम सिल्की बाल हो गए हैं आगे के। एक बार और मार के आपको दिखाती हूँ, अब देखिए डिफरेंस आपको दिखाती हूँ। इन बालों को देखिए कितने स्ट्रेट लग रहे हैं, ये देखिए थोड़े से उलझे उलझे टाइप, उड़े उड़े टाइप लग रहे हैं ना, तो ये डिफरेंस आया है सिर्फ दो बार में मारने पे। अगर आप छोटे छोटे सेक्शन लोगे तो और अच्छा वर्क करेगा। अब मैं आपको क्रम्बिंग करके दिखाती हूँ। तो हमने दूसरा सेक्शन खोल लिया है क्रम्बिंग वाला। इसमें भी मैं पहले आपको बड़े सेक्शन में दिखाऊंगी, फिर छोटे सेक्शन में दिखाऊंगी, डिफरेंस दिखाऊंगी कि दोनों में कितना फ़र्क पड़ता है। वैसे आप छोटे सेक्शन लेके करोगे तो टाइम कम लगेगा और मतलब जल्दी अच्छे प्रेसिंग होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रम्बिंग के लिए आपको हल्का हल्का प्रेस करते हुए नीचे जाना है। बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है। इस तरीके से क्रम्बिंग देखिए हल्का हल्का भी हुआ है। अभी मैं आपको छोटे सेक्शन में भी दिखाऊंगी तो उसमें आपको ज़्यादा पता चलेगा। एक बार आप ऐसे मार लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो, वरना छोटे छोटे सेक्शन लेके आप मार सकते हो जल्दी जल्दी। तो मुझे हल्का आपको दिखाना था पहले, तो मैंने इसलिए डबल ज़्यादा बाल लेके आपको दिखा रही हूँ कि जल्दी भी अगर आप करते हो तो देखिए इस तरीके से बाल आपके हो जाएंगे, पता चलता है क्रिमिंग किया हुआ। अब मैं आपको छोटे सेक्शन दिखाती हूँ पतले सेक्शन लेके। तो यहाँ पर देखिए मैंने बालों को पीछे कर लिया है और पतला सेक्शन लिया है। अब इस तरीके से प्रेस करते हुए फिर से नीचे आएंगे हम। और मैं अभी आपको पिक भी दिखाऊंगी, आप पूरे वीडियो देखते रहिए, मैं अभी आपको पिक दिखाऊंगी। मैंने न्यू ईयर के टाइम पे क्रम्बिंग किए थे, इतने प्यारे बाल लग रहे थे। अभी मैं लास्ट में फ़ोटो ऐड करूंगी, तो पूरी वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। ये देखिए क्रम्बिंग करे हुए अलग ही पता चल रहे हैं। अगर इसी तरीके से आप पूरे बाल करोगे तो एक अलग ही लुक आता है। ये देखिए गाइस बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, वाओ। और आप पिक में देखोगे ना तब तो आपको और अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने पूरे हेयर्स की पिक लगाऊंगी अभी। अब मैं आपको कर्ल करके दिखाऊंगी, तो दोनों सेक्शन को हम बंद कर लेंगे, देन हम यहाँ से इसको कर्ल करेंगे। तो कर्ल करने के लिए भी हमें छोटा ही सेक्शन लेना है इस तरीके से, और बालों को इसमें राउंड राउंड करते हुए ऊपर लेके जाना है। देखिए किस तरीके से बता रही हूँ आपको मैं, एक बार लपेट लेंगे उस पर खोल के, उसके बाद आप ऊपर करते हुए ले जाइए इसको इस तरीके से। उसके बाद 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस आपका हो गया। ये देखिए गाइस कितना प्यारा लुक आया है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा है ये वीडियो और कितना अच्छा कर्ल आ रहा है। अब ये देखिए, अगर आप हल्का कर्ल देना चाहते हो, जैसे कई लोग हेयर स्टाइल बन बना लेते हैं तो आपको हल्का कर्ल देना, तो वो भी दिखा देती हूँ आपको। ये हुआ जो, अगर आप पूरे बाल वो जो उठा रहा वो थोड़ा हैवी है कर्ल में, ये बहुत हल्का कर्ल है। ये देखिए, ये देखिए, तो ये भी बहुत प्यारा लगता है अगर आप बर्न वगैरह पर आगे कर दो। दोनों तरीके के मैंने आपको दिखा दिया, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक कर दो जल्दी से। ये देखिए ऑन ऑफ का बटन है यहाँ पे, इसको छूइएगा नहीं, बहुत गर्म हो जाता है। इसको केयरफुली रख दीजिए, ठंडा होने के बाद इसको डब्बे में पैक कर दीजिए। तो यही थी मेरी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।